तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी में जो गुड लक ऐप होती है दोस्तों, उसके अंदर एक नया अपडेट आया है। नए अपडेट के बाद क्या नए चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैंने 2 दिन से वीडियो क्यों नहीं बनाई। दोस्तों, मेरी तबीयत ख़राब है और अभी भी मुझे बुखार है, इस चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अभी भी मैं बना रहा हूँ, बट बहुत मुश्किल से बना रहा हूँ क्योंकि मुझे फीवर 100+ अभी भी फीवर है। यहाँ पर मैं आपको सैमसंग गुड लक के नए अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको सैमसंग गुड लक ऐप के नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। तो उसके लिए जाना है सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के यहाँ पर गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद वहाँ पर आपको अपडेट्स वाले सेक्शन में चले जाना। अपडेट्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे आपको एक नया अपडेट यहाँ पर मिल रहा होगा गुड लक ऐप के अंदर। जहाँ पर अगर आप नीचे की तरफ देखें तो ऐसा कुछ नया चेंजेस नहीं किया गया। वर्जन नंबर 2.2.0.4.66 है और इसको रोल आउट कब किया गया है, इसको रोल आउट किया गया 28 अगस्त 2023, मतलब आज ही के दिन इसको रोल आउट किया गया, जिसका साइज़ है 11.24 MB का। मतलब कि इसके अंदर कुछ छोटे मोटे जो बक्सेस होंगे, जो उसके अंदर मॉड्यूल्स होते हैं, उसके अंदर जो छोटे मोटे बक्सेस होंगे उसको यहाँ पर एक्टिवाई करने की कोशिश की गई है। या बोल सकते हैं उनको वहाँ पर सुधारने की कोशिश की गई है। तो इस ऐप का मेन काम यही है। तो आपको जैसा भी पता होगा कि सैमसंग गुड लक जो ऐप होती है, कस्टमाइजेशन के लिए काम आती है। फ्रंट स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन, क्यूब पैनल, थीम बनाना, कीबोर्ड की थीम बनाना एंड एनी अदर सारी एक्टिविटीज़ आप इसमें कर सकते हैं। जैसे कि आपने इसको अपडेट कर लिया, अपडेट करने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ नया यहाँ पर इंटरफेस मिल रहा होगा। ऐसा कुछ नया नहीं है, सेम वैसे का वैसे ही यहाँ पर मिल रहा है। सबसे पहले आपको नाइस शॉट ऐप मिल जाती है, इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर 3 डॉट्स पर जाएंगे, एन दिख जाएगा, मतलब कि कौन कौन सी ऐप्स में इसमें अपडेट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे नेव स्टार और नोटिस स्टार में ऐप पेंडिंग है तो वो आपको यहाँ पर बता देगा उसके बाद नाइस कैच ऐप मिल जाती है, वन हैंड ऑपरेशन ऐप मिल जाती है जो कि बेस्ट है कस्टमाइजेशन के लिए। उसके बाद रूटीन्स मिल जाते हैं, मल्टी स्टार्स ऐप मिल जाती है, रेगिस्टार ऐप मिल जाती है, साउंड असिस्टेंट ऐप्स मिल जाती है जो कि सब इसी के अंदर रहती है। उसके बाद यहाँ पर मेकअप में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी कस्टमाइजेशन के लिए मिलती है, जैसे थीम पार्क, वंडरलैंड, लॉक स्टार, कीज कैफे, नेम स्टार, होम अप, क्लॉक फेस एंड क्यूब स्टार ऐप। सारी ऐप से आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी को। आप बोलेंगे यार भाई तुमने वीडियो काहे के लिए बनाई, इसमें तो कुछ भी नहीं है, बस इसमें वीडियो में इसलिए बताया भाई मैंने कि आपको इसमें नया अपडेट यहाँ पर मिला है गुड लक में। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें बक्सेस आ रहे हैं, तो आपको उसको अपडेट कर लेना है। आपके बक्सेस कहाँ तक हद तक हो सकता है वो अपडेट हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऐसे आप यहाँ पर रिसेंट विंडो को भी यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसके अंदर गुड लक के अंदर, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। आज थोड़ी मेरी जो वॉल्यूम है आपको थोड़ा कम लग रहा होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया मेरे को फीवर है, फीवर के कारण मेरा जो वॉइस बहुत कम आ रहा होगा। उम्मीद है फिर भी आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक भी हो सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पे DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि इसकी न्यू अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू।